दोस्तों नमस्कार। आज आपसे बात करने वाले हैं हम इस गैस गीजर के बारे में। सर्दियां आ गई हैं, सभी को गर्म पानी चाहिए। अगर आपके यहाँ पर लाइट बहुत ज़्यादा जाती है, आप इलेक्ट्रिक गीजर नहीं लगा पा रहे हैं क्योंकि लाइट फ्रिक्वेंट जाती है, बिल बहुत ज़्यादा आता है, तो आपके लिए ये गैस गीजर सबसे बेहतरीन होगा। ये नॉर्मल आपके घरेलू गैस सिलेंडर पर काम करता है और ये आपके सामने ही है। तो आज इस गैस गीजर के बारे में सारी बातें करेंगे। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और मैं आपको बताऊंगा क्यों आपको ये गैस गीजर लेना चाहिए। तो गाइस सबसे पहले आप देख लीजिए, गीजर देखने में ऐसा लुक है ये, और ये आता है बजाज कंपनी की तरफ से, और इसमें मिलेंगे आपको 3 नॉब। इन नॉब की जानकारी मैं आपको आगे दूंगा, और नीचे आपको मिल जाएंगे थोड़े से ये कुछ इनपुट आउटपुट के पॉइंट। पहला वाला पॉइंट है, इसमें आपको अपना गैस वाला जो पाइप है वो लगाना है जो आपके रेगुलेटर से कनेक्ट होगा, और बाकी 2 पाइप ये यहाँ पढ़ पाएंगे। वाटर आउटपुट यहाँ से आउट होगा पानी, और वाटर इनपुट ये आप 2 पाइप लगा देंगे और आपके बाथरूम तक ये जाएगा। आपको बेसिकली ध्यान ही रखना है कि आपको ये गैस गीजर जो है वो बाथरूम के बाहर लगाना है, अदरवाइज ये बाथरूम के अंदर काफ़ी ज़्यादा सफोकेशन पैदा कर देता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हानिकारक होगा और हो सकता है किसी की मृत्यु भी हो जाए अगर ज़्यादा सफोकेशन हो जाए। तो ध्यान रखें आप, इस पर साफ साफ क्लियर वर्ड्स में लिखा हुआ है, वार्निंग फॉर यूजिंग वेल वेंटिलेटेड एरिया ओनली। तो मैंने ये लगाया हुआ है बाथरूम के बाहर, जो कि आप सामने देख पा रहे हैं। ऊपर आपको मिल जाएगी वो चिमनी जहाँ से जो वेस्ट गैसेस हैं वो निकलती हैं, और ये गैस पर काम करता है। इसको ऑन ऑफ नहीं करना पड़ता, ये ऑटोमेटिक, जैसे ही आप नल का टेप ऑन करेंगे गीजर का, वैसे ये ऑन हो जाएगा और पानी गर्म देना शुरू कर देगा इंस्टेंटली। कोई इसमें 2 मिनट पहले 15 मिनट पहले आपको ऑन करने की जरूरत नहीं है, इंस्टेंटली काम करता है। आपने टेप ऑन किया, गर्म पानी आना शुरू, टेप बंद किया, गर्म पानी आना बंद। तो बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट, बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है। बाकी ये नॉब हैं, इनकी थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ती है, इनको आपको किस पोजीशन में रखना है, किस मौसम में पानी वाले को कहाँ रखना है, इसकी थोड़ी सेटिंग है, उसका जो वीडियो है वो मैंने अलग से बनाया हुआ है। बाकी गाइस ये बजाज का गैस गीजर है जो कि ऑनलाइन सबसे ज़्यादा सेल होता है। मैं इस गीजर का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से इसका लेटेस्ट प्राइस चेकआउट कर पाएंगे। मुझे ये 4,900 रुपये का मिला था, और मुझे इसको यूज करते हुए 3 साल हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं आई है। एक बार कोई मामूली सी दिक्कत आई थी, वो हमने इसको रिजॉल्व कर लिया था। बाकी इसके अंदर 2 बड़ी वाली बैटरी आती हैं, ये आप देख लीजिए, 2 बैटरी हैं जिनकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। आप विंटर के बाद इसको बाहर निकाल लीजिए बैटरी को, और उसके बाद आप दोबारा से इन बैटरियों को अगली विंटर में यूज कीजिए, तो इन बैटरीज की लाइफ भी 2-3 साल रहती है। अगर बैटरी इसमें पड़ी रहेंगी तो पड़ी पड़ी खराब हो जाती हैं और दिक्कत आती है। तो गाइज अब आप देख लीजिए इसका प्रोसेस, जैसे ही आप टेप ऑन करेंगे तो इसके अंदर जो लाइट है वो इग्नाइट होगी और ये चालू हो जाएगा। मान लो ये टेप है, मैंने नीचे वाला टेप मैंने ऑन कर रखा है, मैं इस टेप को ऑन करता हूँ, आप देखिए, खुद देखिए, एक साउंड आएगा और ये ऑन हो जाएगा। तो गाइस ये ऑन हो गया, देखिए आप अंदर, जैसे ही मैंने इस टेप को ऑन किया अंदर ये लाइट ऑन हो गई, और ये जो आग है ये उस पानी को गर्म कर रही है जो पानी नीचे टेप में आ रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ बाथरूम में ले जाकर, ये गाइस आप देखिए, तो ये बढ़िया गर्म पानी आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा गर्म पानी है, और पानी को ज़्यादा गर्म करना है, थोड़ा सा कम गर्म करना है, वो आपके हाथ में है। आप सारी सेटिंग यहाँ इन बटनों से कर सकते हैं, उसका मैंने अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं किस प्रकार से आपको इन नॉब्स की सेटिंग करनी है। उसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो गाइज ओवरऑल बहुत ही अच्छा ये गीजर है। चलिए देखिए, जैसे मैं ये टेप बंद करूँगा, ऑटोमेटिक ये गीजर बंद हो जाएगा। तो गाइज टेप बंद करते ही गीजर बंद हो गया, तो मीन्स ये काफ़ी ज़्यादा आसान भी है। आपको 10-15 मिनट पहले गीजर को ऑन नहीं करना है, ताकि आप नहाने से पहले ऑन कर दें, फिर वेट करें, फिर नहाने जाएं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मात्र इसको नीचे से टेप ऑन करना है और ये स्टार्ट, टेप बंद करते ही चालू। तो काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत आसान है, और एक सिलेंडर आपका लगभग एक विंटर निकाल देगा। अगर आपकी फैमिली में 4 या 5 लोग हैं और आप बहुत ही सही तरीके से गर्म पानी का उपयोग करते हैं, तो एक सिलेंडर आपका आसानी से आपकी पूरी विंटर को निकाल सकता है। ओवरऑल काफ़ी सस्ता भी पड़ता है। तो गाइज अगर आपको परचेज़ करना है तो आइटम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है,
आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।